कैसे मिला यश को रॉकी भाई का किरदार, क्यों फिल्म का कलर ग्रेड था येलो, क्या कनाडा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म है केजीएफ। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जैसे किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, वैसे ही फिल्म में कौन किस किरदार में आएगा और आके छा जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे में बात करें कनाडा इंडस्ट्री की पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म केजीएफ के मेन लीड की, तो इसके लिए डायरेक्टर राइटर प्रशांत नील ने पहले से ही यश को कास्ट करने के लिए सोच लिया था। प्रशांत ने यश के फिल्म गुगली देखी थी, जिसके बाद उन्होंने यश को रॉकी भाई के लिए अप्रोच किया और बाकी की कहानी आप जानते ही हैं। यश पूरी दुनिया में रॉकी भाई के नाम से जाने जाते हैं और उनसे बेहतर इस किरदार के लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। ऐसे में अगर आप भी खोलना चाहते हैं किस्मत का ताला और करना चाहते हैं सिनेमा में काम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म केजीएफ को कागज से पर्दे तक आने में कई सालों का समय लगा और ये समय लगा फिल्म की बारीकियों पर रिसर्च करने में। जी हाँ, फिल्म में 90s और 80s का माहौल दिखाने के लिए मेकर्स ने बहुत सी चीजों पर रिसर्च करी और फिल्म की लोकेशन कोलार गोल्ड फील्ड को सेटअप करने में 2 साल का समय लगा। पर इसके बावजूद कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जिससे आप लोगों को शायद ही ना पता हो, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिल्म का कलर ग्रेड हमें थोड़ा येलोइश और ग्रे देखने को मिला था, लोगों को ये देखने में काफ़ी विंटेज फील आई, पर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी कहानी के अंदर सोने यानी गोल्ड की बात हमें देखने को मिली और यही रीजन है कि फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म में येलो कलर ग्रेड रखा, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। आई होप इस बात को जानने के बाद आपको KGF 3 और भी पसंद आएगी। साउथ इंडस्ट्री कई टुकड़ों में बटी हुई है, जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल और उन्हीं में से एक इंडस्ट्री है कनाडा इंडस्ट्री, जिसको मेन स्ट्रीम में इतनी पॉपुलरिटी कभी नहीं मिली। पर फिल्म KGF के आने के बाद कनाडा इंडस्ट्री को जमकर पॉपुलरिटी मिली और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म KGF पहली कनाडा फिल्म है जिसका बजट 90 करोड़ था और पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म भी KGF ही है। ऐसे में KGF और यश ने मिलकर न सिर्फ लोगों को एंटरटेन किया बल्कि साउथ की एक ऐसी इंडस्ट्री को उठाया जिसको लोग बहुत कम जानते थे और आज साउथ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक KGF का नाम आता है। और KGF 3 आने के बाद पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट में भी फिल्म को देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या कनाडा इंडस्ट्री से हमें देखने को मिलेंगे और मास्टरपीस? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।